विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट चौदहवीघा ऋषिकेश। फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे थे हम लोग, भौतिक भूगोल। उसमें आज हमने करना है पवन की पेटियों का विस्थापन, यानी शिफ्टिंग ऑफ द विंड बेल्ट्स, शिफ्टिंग ऑफ द विंड बेल्ट्स। सबसे पहले तो एक डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम में क्या है आपका, सबसे पहले 21 जून समर सॉलस्टिस, बाकी 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स, 23 सितंबर को ऑटम इक्विनॉक्स और 22 दिसंबर को विंटर सॉलस्टिस। ये तीन चार डेट याद हैं। क्या होता है, 21 जून को कर्क रेखा पर चमक रहा होता है सूरज, सीधा 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है, उसको समर सॉलस्टिस कहते हैं। 21 मार्च को 0 डिग्री इक्वेटर पर सीधा चमक रहा होता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं। 23 सितंबर को भी 0 डिग्री इक्वेटर पर सीधा चमक रहा होता है, उसको भी स्प्रिंग ऑटम इक्विनॉक्स बोलते हैं। और 23 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधा चमक रहा होता है, उसको बोलते हैं विंटर सॉलस्टिस। पहले तो ये चीजें पता होनी चाहिए, तब जाके समझ में आएगा। ठीक है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा यदि न करती तो वायुदाब तथा हवाओं की पेटियों में स्थायित्व हो सकता था, किंतु पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण उसकी सूर्य से संबंधित स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। फलतः व्यापारिक तथा पछुआ पवनों की पेटियां सूर्य की लांबिक किरणों में विस्थापन के साथ साथ उत्तर तथा दक्षिण की ओर विस्थापित होती रहती हैं। वो ITCZ भी बताया था मैंने आपको, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ऊपर जाता सूर्य उत्तरायण होता तो ऊपर खिसकती है पेटी, जहां वो 5 से 5 के बीच में रहती है पहले वो, फिर 5 से 10 के बीच में चली जाती है। तो उसी का बता रहा हूं कि सूर्य के उत्तरायण की दिशा में पेटी ऊपर और दक्षिणायन की दिशा में नीचे चली जाती है। ठीक है, तो उसकी भाषा जो है थोड़ा सा कठिन है। व्यापारिक तथा पछुआ पवनों की पेटियां सूर्य की लांबिक किरणों में विस्थापन के साथ साथ, लांबिक समझते हैं परपेंडिकुलर, लंब बोलते हैं परपेंडिकुलर को, तो लांबिक किरणों में विस्थापन के साथ साथ उत्तर तथा दक्षिण की ओर विस्थापित होती रहती है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, जिस कारण सभी वायुदाब की पेटियां, लेकिन यहां पे ध्यान रखना सभी में ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी नहीं आती है। ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी हमेशा वहीं पर रहती है जहां पहले, जहां पे हमेशा है ना विद्यमान रहती है वहीं पर, जिस कारण सभी वायुदाब की पेटियां उत्तर दिशा में खिसक जाती है। भूमध्य रेखीय निम्न दाब 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश के बीच उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच हो जाता है। इसी कारण उनसे संबंधित वायुदाब की पेटियां भी अपने निर्दिष्ट स्थान से खिसक जाती हैं। डायग्राम को देखिए, डायग्राम दिख रहा है। 21 जून के बाद 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, जिस कारण वायु पेटियां अपनी यथावत स्थिति में आ जाती है। इसके बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है तथा 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जिस कारण वायुदाब तथा वायु पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। पुनः सूर्य के 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर लंबवत होने के कारण ये पेटियां यथावत स्थिति में आ जाती हैं। इस तरह ऋतु परिवर्तन के साथ ही वायु पेटियों में स्थानांतरण होता रहता है, जिससे कई प्रकार की विशिष्ट जलवायु संबंधी दशाओं का सूत्रपात होता है। अब जो UPSC होती है वो ऐसे क्वेश्चन पूछती है कि ये जो सूर्य के उत्तरायण होने पर ऊपर की ओर खिसक रही पेटी, दक्षिणायन होने पर दक्षिण की ओर खिसक रही, तो इससे होगा क्या, जलवायु संबंधी दशाओं में क्या, कौन सी विशिष्ट जलवायु दिखेगी हमें? तो पहला आपने भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय। दूसरा 60 से 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य वर्ष में दो प्रकार की हवाओं का आगमन, और तीसरा मानसून हवाओं का आविर्भाव। मानसून हवाओं का 60 से 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य वर्ष में दो प्रकार की हवाओं का आगमन तथा मानसून हवाओं का आविर्भाव, ये मेन चीज है। यहां से क्वेश्चन बना चुके हैं, पहले दोबारा बना सकते हैं। आपने वहां वहां पर रुक कर पकड़ना है कंसेप्ट को, जहां जहां पर क्वेश्चन पहले क्या हो चुके हैं, बन चुके हैं, तो बोर्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्वेश्चन वहां से बन चुके हैं। अगला, वायुमंडलीय त्रिकोशिकीय परिसंचरण यानी ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन ऑफ द एटमोस्फियर, ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन ऑफ द एटमोस्फियर। ताप तथा गतिक कारणों से वायुमंडलीय पवनों के प्रवाह प्रारूप को
वायुमंडलीय त्रिकोशिकीय परिसंचरण या वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण कहा जाता है। यह परिसंचरण महासागरीय जल को भी गतिमान करता है जो पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करती है। पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करती है। धीरे धीरे पकड़िए, ताप तथा गतिक कारणों से, यहां तक रुक जाइए, पहले इतना समझिए। ताप तथा गतिक कारणों से, गतिक कारण क्या होते हैं, पृथ्वी की गति है ना, गतिक कारणों से वायुमंडलीय पवनों के प्रभाव प्रारूप को वायुमंडलीय त्रिकोशिकीय परिसंचरण या वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण कहा जाता है। यह परिसंचरण महासागरीय जल को भी गतिमान करता है जो पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करती है। हवा का कोशिकीय रूप में परिसंचरण प्रत्येक देशांतर पर होता है। पृथ्वी की सतह पर हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती हैं, किंतु धरातलीय हवाओं की दिशा के विपरीत दिशा में ऊपर वायुमंडल की हवाएं प्रवाहित होती हैं। अर्थात वायुमंडल के ऊपरी भाग में हवाएं निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर चलती हैं। इस लाइन को खास ध्यान रखना आपने, ये बताया था मैंने। ट्रेड विंड माना, इधर देखिए ग्लोब पर अगर ऐसे चल रही है, इसकी डायरेक्शन इधर को है, लेकिन जब ये ऊपर उठेगी तो उल्टी डायरेक्शन में क्या होगी, वायुमंडल में हवाएं चलेंगी, फिर बैठेंगी। अगर ये नीचे जमीन पर ऐसे चल रही है तो ऊपर वायुमंडल में ऐसे चल रही है उल्टी दिशा में। उसी चीज को बोल रहा है कि पृथ्वी की सतह पर हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्रों की तरफ प्रवाहित होती है, किंतु धरातलीय हवाओं की दिशा के विपरीत दिशा। धरातलीय, यहां तक समझ में आया है? क्या धरातलीय हवाओं की दिशा की विपरीत दिशा में ऊपरी वायुमंडल की हवाएं प्रवाहित होती हैं, अर्थात वायुमंडल के ऊपरी भाग में हवाएं निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर चलती हैं। अगर मैं यूपीएससी का क्वेश्चन बना रहा होता तो मैं दो स्टेटमेंट देता। पहला स्टेटमेंट देता कि पृथ्वी की सतह पर हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। दूसरा मैं देता कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में हवाएं निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर चलती हैं। और 90% लोग जिन्हें नहीं पता है वो इसको सेकंड स्टेटमेंट को गलत कर देते हैं, ठीक है, जबकि दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। समझ में आ गया? आपने नियम पढ़ा वैसे कि हमेशा हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी, लेकिन वायुमंडल के ऊपरी भाग में हवाएं निम्न वायुदाब से लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर चलती है। इस तरह प्रत्येक देशांतर पर तथा प्रत्येक गोलार्ध में हवाओं की तीन कोशिकाएं पाई जाती हैं, हेडली कोशिका या उष्णकटिबंधीय कोशिका, हेडली कोशिका या उष्णकटिबंधीय कोशिका, दूसरी मध्य अक्षांशीय कोशिका या ध्रुवीय वाताग्र कोशिका, ध्रुवीय वाताग्र कोशिका, तीसरी ध्रुवीय या उपध्रुवीय कोशिका, ध्रुवीय या। अब भाई सुनने में तो अटपटा सा लग रहा है, पहली बार सुना कोशिका, आपने जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान में पढ़ा होगा सेल्स, ये कोशिका अलग है, वो कोशिका अलग होती है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय कोशिका, इसमें क्या होता है, जिसको हेडली कोशिका के नाम से भी जाना जाता है, तो हेडली कोशिका या उष्णकटिबंधीय कोशिका के अंतर्गत भूमध्य रेखा पर हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं तथा ऊंचाई पर जाकर उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं की ओर मुड़ जाती है। ये मिली, व्यापारिक पवने मिली, ऐसे मिली ऊपर उठी और इधर एक उत्तर की तरफ चलेगी, एक दक्षिण की ओर चलेगी, मुड़ जाती हैं। भूमध्य रेखा पर स्थानापूर्ति के लिए उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब से हवाएं भूमध्य रेखा की ओर चलने लगती हैं। ये आपको पता है जिन्हें ट्रेड विंड्स बोलते हैं। भूमध्य रेखीय 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ पर ऊपर उठी हवाएं उपोष्ण उच्च दाब यानी 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 से 35 डिग्री साउथ, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 30 से 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के पास नीचे उतरती है तथा पुनः भूमध्य रेखा की ओर धरातलीय पवन के रूप में चल पड़ती है। ये क्रम चल ही रहा है, मतलब ऐसे मैंने बताया ना आपको, ऐसे ये चल रहा है और इधर ऐसे और ऐसे इधर भी है ऊपर 60 से 65 और 30 से 35 के बीच में, जिसको कि डायग्राम में कैसे दिखाते हैं, दोबारा जाइए पेज नंबर 213 पर, साइड में दिखा रखा उसने एरो के माध्यम से।
दिख रहा है, दाई तरफ भी दिखा रखा और बाई तरफ भी दिखा रखा। अब भाई थ्री डायमेंशनल तो दिखा नहीं सकते टू डायमेंशन में हम, लेकिन इसी तरह से दिखाना पड़ेगा हमें। अच्छा जी, इस तरह उष्णकटिबंधीय कोशिका का निर्माण होता है, इसे हेडली कोशिका भी कहा जाता है। मेंस में हेडली कोशिका के नाम से क्वेश्चन आएगा, 50 शब्दों में पूछेगा आपसे, तो आपको लिखना पड़ेगा कि उष्णकटिबंधीय कोशिका को हेडली कोशिका भी कहा जाता है, इसका निर्माण कैसे कैसे करके होता है, ठीक है। उसके बाद मध्य अक्षांशी कोशिका, इसके अंतर्गत अश्व अक्षांश यानी उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 से 35 डिग्री साउथ लैटिट्यूड और लैटिट्यूड, याद आ रहा है डायग्राम? जब तक डायग्राम आंखों में नहीं होगा नहीं आएगा समझ में क्या बोल रहा हो। तो अश्व अक्षांशों से शीतोष्ण निम्न दाब यानी 60 से 65, शीतोष्ण मतलब 60 से 65 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 60 से 65 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ठीक है, की ओर धरातलीय हवाएं चलती हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, पछुआ पवन कहते हैं, पछुआ हवाएं चलती हैं। यहां यह 60 से 65 डिग्री पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवाएं धरातल से उठकर दो दिशाओं में मुड़ जाती हैं, यह हवा अश्व अक्षांशों के पास नीचे उतरती है तथा पुनः धरातलीय पछुआ हवाओं के रूप में शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न दाब की ओर चलती हैं। मैंने उपध्रुवीय बोला था आपको, इसको आप शीतोष्ण कटिबंधीय भी बोल सकते हैं, टेम्परेट। शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न दाब की ओर चलती हैं तथा एक पूर्ण कोशिका का निर्माण होता है, इसे फेरल कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेरल कोशिका। हो गया, फेरल कोशिका समझ में आ गया, इससे ऊपर वाली हेडली कोशिका समझ में आ गया, फेरल कोशिका, बल्कि आप नाम लिख दीजिए भाई इसमें, ये जो पीछे डायग्राम है ना, इसमें जो ट्रेड विंड के ऊपर कोशिका दिख रही है आपको, यानी 5 से 5 से लेकर 30 से 35 के बीच में, इसकी दाईं तरफ लिख दीजिए हेडली कोशिका, और 30 से 35 से 60 से 65 के बीच में जो दिख रही है वो आप उसको नाम लिखिए फेरल कोशिका। क्या लिखना है? फेरल कोशिका। ध्यान रखना, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान से सुनो, डायग्राम को ध्यान से देखो, 60 से 65 वाली बेल्ट दिख रही है आपको, शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न दाब की पेटी लो प्रेशर बेल्ट दिख रही है, यहां से हवाएं ऊपर उठती हैं, ऊपर उठने के बाद कहां कहां पर बैठती हैं, कुछ बैठेंगी आपकी ध्रुवीय उच्च वायु दाब की पेटी में ऊपर, कहां पर? ध्रुवीय उच्च वायु दाब की पेटी में, और जो दक्षिण की ओर मुड़ेंगी जो हवाएं ऊपर वायुमंडल में, वो कहां बैठेंगी? हॉर्स लैटिट्यूड पर बैठेंगी या उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब की पेटी पर बैठेंगी, इसीलिए उच्च दाब बनता है वहां पर। उच्च दाब खाली विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी के ऊपर उठने और उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर मुड़कर नीचे हॉर्स लैटिट्यूड पर बैठने से नहीं होता है। उच्च वायु दाब इसलिए बन रहा है 30 से 35 में क्योंकि 60 से 65 वाली भी यहीं बैठ रही है और 5 से 5 वाली भी यहीं बैठ रही है, 5 से 5 से जो उठी थी वो भी यहीं पर बैठ रही है, इसलिए क्या बन रहा है? हाई प्रेशर बन रहा है। समझ में आ रहा है? किसकी समझ में नहीं आया? आ गया, ठीक है। अगला है भाई ध्रुवीय कोशिका, इसके अंतर्गत उच्च दाब 80 से 90 डिग्री नॉर्थ 80 से 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से शीतोष्ण निम्न दाब 60 से 65 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड 60 से 65 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, एक साथ लिख दिया उसने एनएस, लेकिन आपने अलग अलग पढ़ना है उसको, नॉर्थ लैटिट्यूड एंड साउथ लैटिट्यूड की ओर धरातलीय हवाएं चलती हैं जबकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण शीतोष्ण निम्न दाब से ऊपर उठी हवाएं ध्रुवों के पास उतरती हैं। किसके पास उतरती हैं? ध्रुवों के पास उतरती हैं। इस तरह ध्रुवीय कोशिका का आविर्भाव होता है, ध्रुवीय कोशिका का आविर्भाव होता है। डायग्राम देखिए, बड़ा अच्छा सा बना रखा डायग्राम, दिख रहा है? इतना ही बनाना पड़ता है, और ध्यान रखना सोने की इंक से भी लिखोगे और डायग्राम नहीं बनाओगे तो ये माना जाता है आपको नहीं आता है, मतलब आपका आधा ज्ञान है। आपने एक डायग्राम बना दिया, बहुत सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है, बस समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है। क्या समझ में आना चाहिए? और खाली एरो लगा के मत आ जाना, नाम भी लिख के आना, ये हेडली कोशिका है, ये फेरल कोशिका है, ये ध्रुवीय कोशिका है, इतना ही डायग्राम बनाना होता है। इससे क्या होता है, अगर माना आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें माना वो
चार नंबर दे रहा होगा तो आपको छह नंबर देगा डायग्राम पे। ज्योग्राफी में मैथमेटिक्स जैसे नंबर मिलते हैं, कैसे? कई बार दो नंबर चार नंबर में दो दो चार चार नंबर सीधे सीधे दिए जाते हैं, लेकिन आठ में भी मैंने कहा छह नंबर तक आप प्राप्त कर सकते हो, कभी कभी सात नंबर तक भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, बस क्या करना पड़ता है, मूल्यांकन करने वाले शिक्षक को खुश करना पड़ता है। अब ध्यान रखना, कभी भी टीचर ऐसे में नहीं चेक करता, हॉरिजॉन्टल चेक नहीं करता, वर्टिकल चेक करता है। कैसे? उसको हर एक लाइन पर कुछ अच्छा सा दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? आप क्या करते हो ऐसे में, अपनी क्वालिटी को सुधारते हो। कैसे में? हॉरिजॉन्टल में तो सुधार दिया आपने, वर्टिकल में कैसे? वर्टिकल में कहीं पर डायग्राम, कहीं पर कुछ, कहीं पर लिखने का भी तरीका होता है। मैंने कहा जैसे तीन कोशिकाएं हैं, तीन कोशिका आपने बना दी तो आपने क्या करना, वायुमंडलीय त्रिकोशी के परिसंचरण बीच में लिखना है। एक गोला बनाया, उसकी तीन कोशिका बना दी ऐसे ऐसे करके। क्या बना दी? इसके तीन पार्ट होते हैं, और उसको अगर आप पूरा पूरा लिख दो डायग्राम में कि उष्णकटिबंधीय कोशिका ऑब्लिक हेडली कोशिका, दूसरे में लिख दो अगर आप मध्य अक्षांशीय कोशिका ऑब्लिक फेरल कोशिका, और तीसरे नंबर पर लिख दो आप ध्रुवीय कोशिका, तो बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। तो बस वही है कि आप उसको कैसे प्रभावित करते हो। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण महासागरों को भी प्रभावित करता है। वायुमंडल में वृहद पैमाने पर चलने वाली पवन धीमी तथा अधिक गति से की महासागरीय धाराओं को प्रभावित करती है। महासागर वायु को ऊर्जा व जलवाष्प प्रदान करते हैं। ये अंतर संबंध महासागरों के विस्तृत क्षेत्रों पर अपेक्षाकृत धीमी गति से संपन्न होती है। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण, सामान्य परिसंचरण को हमने क्या बोला था साथ में, त्रिकोशिकीय परिसंचरण। क्या वायुमंडल का त्रिकोशिकीय परिसंचरण या वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण महासागरों को प्रभावित करता है? तो हाँ जी करता है। क्या करता है? वायुमंडल में वृहद पैमाने पर चलने वाली पवने धीमी तथा अधिक गति की महासागरीय धाराओं को भी प्रभावित करती हैं। महासागर वायु को ऊर्जा और जलवाष्प प्रदान करते हैं। ये अंतर संबंध महासागरों के विस्तृत क्षेत्रों पर अपेक्षाकृत धीमी गति से संपन्न होते हैं। उसके बाद भाई सामयिक पवन है, क्या सीजनल विंड्स, सीजनल विंड्स के बारे में पढ़ना है। जिन पवनों की दिशा मौसम या समय के अनुसार विपरीत हो जाती है उन्हें सामयिक पवने कहते हैं। अब सामयिक पवनों से एक क्वेश्चन यही बन सकता है कि सामयिक पवने कौन कौन सी है, तो एक मानसून पवने है, कौन सी? दूसरी आपकी स्थल समीर, जल समीर है, सागर समीर, स्थल समीर और सागर समीर। अगली है पर्वत समीर और घाटी समीर, पर्वत समीर और घाटी समीर, ये तीन आपने याद रखनी है। स्थल समीर, सागर समीर, पर्वत समीर, घाटी समीर शायद मैं समझा चुका हूं, लेकिन एक बार फिर भाषा दे देते हैं उसको। ये तो पता है ना, जमीन जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, पानी देर में गर्म होता है, देर में ठंडा होता है। दिन के टाइम पे सूरज निकला, जमीन ज्यादा गर्म हो गई अपेक्षाकृत पानी के, पानी की अपेक्षा जमीन जल्दी गर्म हो गई। जमीन गर्म होने से उसके कॉन्टेक्ट में जो एयर है वो ऊपर उठ गई, गर्म होकर ऊपर उठती हवा, वहां पर लो प्रेशर का जोन बन गया। पानी अपेक्षाकृत कम गर्म है, वहां पर हाई प्रेशर का बना, तो दिन के टाइम पर पानी से यानी सागर से कहां जमीन की तरफ क्या चलेगी, हवाएं चलेंगी, उसको क्या बोलते हैं, सागर समीर बोलते हैं। और रात के टाइम पर क्या होगा, जमीन जल्दी ठंडी हो गई, जमीन के ऊपर बन गया हाई प्रेशर, और पानी देर में ठंडा होता है, पानी गर्म है अभी भी, पानी के ऊपर बन गया लो प्रेशर, तो क्या हो गया, जमीन से सागर की ओर हवाएं चली, उसको क्या बोला, लैंड ब्रिज बोला, है ना। बस उसी को भाषा एक बार समझा देता हूं। मानसून पवने, धरातल की वे सभी पवने जिनकी दिशा में मौसम के अनुसार पूर्ण परिवर्तन आ जाता है मानसून पवने कहलाती हैं। ये पवने ग्रीष्म ऋतु के छह माह समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और शीत ऋतु के छह माह स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। ऐसा स्थल व जल के गर्म होने की अलग अलग प्रवृत्ति के कारण होता है। इनकी उत्पत्ति कर्क व मकर रेखाओं के बीच की व्यापारिक पवनों की पेटी में होती है। इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है, मानसून पवनों की उत्पत्ति कहाँ होती है, कर्क और मकर रेखाओं
यानी कैंसर और कैप्रिकॉन रेखाओं के बीच की व्यापारिक पवनों की ट्रेड विंड्स वाली जो पेटी है उसमें होती है। दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में इनकी सबसे आदर्श दिशाएं मिलती हैं, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया। और अगला है स्थल समीर, रात्रि के समय स्थल भाग में तापमान की कमी तथा समुद्री भाग पर तापक्रम की अधिकता, यानी जल स्थल की अपेक्षा धीरे ठंडा होता है, बता रखा मैंने, के कारण स्थलीय भाग में अधिक वायुदाब और समुद्री भाग पर निम्न वायुदाब रहता है। इस कारण प्रायः समुद्र तटों से सूर्यास्त के प्रातः 8 बजे तक स्थल की ओर से हवाएं समुद्र की ओर बहती हैं, इनको स्थल समीर कहा जाता है। जलीय समीर की अपेक्षा स्थलीय समीर क्षीण होती हैं, ये हवाएं शुष्क होती हैं, इन हवाओं के कारण तटीय भागों की जलवायु पर समकारी प्रभाव होता है। अब यह समकारी वर्ड याद कर लीजिए, आपसे अगर कोई पूछे कि बंबई के लोग स्वेटर क्यों नहीं पहनते हैं या ऐसा ज्यादा गर्म ज्यादा ठंडा क्यों नहीं होता है, तो समकारी प्रभाव, समकारी प्रभाव मतलब जो हमने पढ़ा अभी, यही कारण होता है कि तटीय भागों में ना अधिक जाड़ा पड़ता है ना ही अधिक गर्मी पड़ती है। ऐसे ही सागर समीर, समुद्री समीर, सी ब्रिज, दिन के समय सूर्य की गर्मी से स्थल भाग जल भाग की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है, अतः स्थल भाग पर अधिक ताप से उत्पन्न निम्न वायुदाब तथा जल भाग पर कम तापमान होने के कारण अधिक वायुदाब स्थापित हो जाता है। परिणाम स्वरूप दिन में सागर से स्थल की ओर पवनें बहने लगती हैं, ये पवनें दिन के 10 बजे से सूर्यास्त तक बहती हैं और उष्णकटिबंधीय भागों में 50 से 65 किलोमीटर तक स्थल भाग के भीतर प्रवेश कर जाती हैं। इन पवनों से स्थल भाग का तापमान गिर जाता है तथा कुछ वर्षा भी होती है। इस प्रकार मौसम की दैनिक अवस्थाओं पर इनका बड़ा प्रभाव पड़ता है। सागर से बहने के कारण इनको सागरीय पवन भी कहा जाता है। और जितना भी आपका कॉटन इंडस्ट्री है वो आपने देखा होगा अधिकतर समुद्र तटीय क्षेत्रों में, मतलब जहां पर मॉइस्चर होता है, नमी होती है जहां हवा में, वहां पर बनाया जाता है। क्योंकि अगर आप बिल्कुल ड्राई जगह पर धागा बनाओगे तो वो उतना मजबूत नहीं होगा जितना कि मॉइस्चर वाली हवा पर होता है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी कि भाई ऐसा क्यों होता है कि सागर तटीय क्षेत्रों में कॉटन इंडस्ट्री आपकी क्या है, जो खासकर जो धागा बनता है कॉटन से, तो बताया जाता है कि अगर आप उसको कहां पर बनाओगे, दिल्ली में बनाओगे धागा, तो उतना मजबूत नहीं होगा जितना कि जहां समकारी प्रभाव होता है, तो हवा चलती तो हवा के साथ थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी लेके आती हो सागर के ऊपर से, है ना। ठीक है जी, पर्वत समीर तथा घाटी समीर, माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज, ये पवनें भी तापमान के दैनिक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। रात्रि के समय पर्वत शिखर से जो पवनें घाटी तल की ओर चलती है उन्हें पर्वत पवनें कहा जाता है। दिन के समय जो पवनें घाटी के तल से पर्वत शिखर की ओर बहती है उन्हें घाटी पवनें कहा जाता है। सूर्योदय के साथ सूर्य की किरणें सर्वप्रथम पर्वत शिखरों को स्पर्श करती है, ऊपर पड़ती है पर्वत के ऊपर पड़ती है सूरज की किरणें, घाटी में तो बाद में आएंगी, ज्यादा गर्म कौन होगा, पर्वत शिखर, है ना। इस कारण घाटी की अपेक्षा पर्वत शिखर शीघ्र गर्म हो जाते हैं तथा संवहन के कारण उनकी वायु ऊपर उठ जाती है। परिणाम स्वरूप घाटी के तल से अपेक्षाकृत ठंडी पवनें शिखर की ओर आने लगती है, यानी शिखरों पर बन गया लो प्रेशर और नीचे बन गया क्या, हाई प्रेशर, अपेक्षाकृत नीचे क्या रहा, हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या करेंगी, हवाएं चलेंगी, इन्हीं को क्या बोला जाता है, अरे घाटी से चल रही है भाई, है ना, इन्हें घाटी समीर कहा जाता है। जबकि रात्रि के समय तीव्र विकिरण के कारण पर्वत शिखर शीघ्र ठंडा हो जाता है तथा घाटी अपेक्षाकृत गर्म रहती है, फलतः पर्वत शिखर की वायु सघन तथा भारी होने के कारण नीचे उतरती है, जबकि घाटी की वायु अपेक्षाकृत हल्की होने के कारण ऊपर उड़ जाती है। इसे क्या बोलते हैं, पर्वत समीर, समझ में आ गया, तो बस इतना ही लिखना होता है भाई। उसके बाद स्थानीय पवनें, लोकल विंड्स, ये आगे समझ में कंसेप्ट नहीं आया, आ गया, डायग्राम भी बनाना है, ऐसे बनाना, एक पर्वत और घाटी, दिन के समय में ऊपर का जो पर्वत पर्वतीय भाग है उस पर सूर्य की किरणें पहले पहुंची, अपेक्षाकृत ज्यादा गर्म हो गया घाटी की तुलना में, वहां पर लो प्रेशर बन गया, नीचे हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चली, उसको बोला घाटी समीर। रात के समय ऊपर वाला पार्ट ठंडा हो गया जल्दी, नीचे घाटी गर्म रही, घाटी में बन गया लो प्रेशर, ऊपर बन गया हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर
हवाएं बहती हैं, उसको क्या बोला, पर्वत समीय। समझ में आ गया, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा पर्वत बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे पर्वत बना देना ऐसे ऐसे बस, ये जैसे बना रखा डायग्राम ऐसा नहीं बनाना, आप अपने हिसाब से बना लें। समझ में आना चाहिए एग्जामिनर के कि बनाया क्या है। स्थानीय पवने लोकल विंड्स किन्हें कहा जाता है, किसी स्थान विशेष में प्रचलित हवाओं के विपरीत, किसी स्थान विशेष में प्रचलित हवाओं के विपरीत, विपरीत मतलब स्वभाव में विपरीत है ना भाई। ठंडा प्रदेश है, अचानक से गर्म हवा चलने लगी, हमने बोला क्या है, स्थानीय पवन है, क्या है, चलने वाली विशेष प्रकार की हवाओं को स्थानीय हवाएं कहा जाता है। ये हवाएं तापमान तथा वायु दाब के स्थानीय अंतर से चलती हैं, ये बहुत ही छोटे क्षेत्र को प्रभावित करती हैं, बहुत ही, इन हवाओं का संबंध क्षोभ मंडल की निचली परतों तक ही सीमित रहता है। ये ट्रोपोस्फीयर, इसमें रहते हैं हम लोग, ट्रोपोस्फीयर में ही चलती है ये स्थानीय पवन, ठीक है। क्षोभ मंडल की निचली परतों तक ही सीमित रहती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पवने बता रहा हूं मैं, जैसे चिनूक, क्या चिनूक, चिनूक शब्द अमेरिका के रेड इंडियन आदिवासियों की भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है हिम भक्षी, हिम हरिणी, स्नो ईटर, हिम का भक्षण करती है। यह उत्तरी अमेरिका में रॉकी माउंटेन रेंज के पूर्वी ढालों के सारे, दक्षिण में कोलोरेडो के दक्षिण भाग से उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत तथा शुष्क व गर्म दक्षिण पश्चिमी पवन के रूप में प्रवाहित होती है। सबसे पहले चिनूक में याद कर लो कैसी होती है, शुष्क और गर्म होती है, कैसी होती है, कहाँ चलती है, रॉकी माउंटेन रेंज से ऐसे उतरती है नीचे की तरफ, ये रॉकी माउंटेन रेंज है अमेरिका में, इससे नीचे की तरफ उतरती है, यहाँ नीचे बर्फ पड़ी हुई, और जब ये नीचे उतरती है तो क्या होता है, हिम का भक्षण करती है, इसलिए हिम भक्षी भी कहा जाता है इसको, चिनूक को। और हिम का भक्षण होगा तब क्या होगा, जो मैदान होंगे फिर वहां जैसे बुग्याल होते हैं ना हमारे उत्तराखंड में, फिर वैसी घास उगती है, पहले कीचड़ होता है, पहले जब बर्फ पिघलेगी तो कीचड़ होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, घास उगेगी बड़ी अच्छी, फिर वो क्या बनते हैं, क्या बनते हैं वो, घास के मैदान बन जाते हैं। उन घास के मैदान में कुछ लोग जाते हैं, वो कहते हैं अगर यहाँ पे गेहूं उगाया जाए तो क्या उगाया जाए, तो गेहूं उगाते हैं तो ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनती है फिर, प्रेरीज, क्या प्रेरीज, जहां पहले घास उगती थी आज वहां क्या करते हैं वो लोग, गेहूं उगाते हैं। यह उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत श्रेणियों के पूर्वी ढाल के सारे, दक्षिण में कोलोरेडो के दक्षिणी भाग से उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत तक चलने वाली क्या है, शुष्क व गर्म दक्षिण पश्चिमी पवन के रूप में प्रवाहित होती है। दक्षिणी पश्चिमी पवन खास ध्यान रखना आप, दक्षिण पश्चिमी पवन, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम मतलब साउथ वेस्ट पवन के रूप में प्रवाहित होती है। बसंत काल में इनकी गर्मी से तापमान यकायक बढ़ जाता है और हिम पिघलन तेजी से होता है। इन्हीं पवनों को चिनूक कहा जाता है। यह पशुपालकों के लिए लाभदायक होता है, इसके आगमन से चारागाह बर्फ मुक्त हो जाते हैं। भाई अगर जिन ग्रासलैंड, जिन जमीन पर बर्फ पड़ी हुई थी वो पिघली, तो पहले कीचड़ हुआ, कीचड़ होने के बाद क्या हुआ, घास होगी, जब घास होगी तो क्या हो गया, अरे तो पशु चारकों के लिए स्वर्ग हो गया, पशु चारक क्या करेंगे वहां पर, पशुओं को चराएंगे, ठीक है। जैसे केदारनाथ है, केदार मतलब दलदल होता है, दलदल क्यों होता है, क्यों होता दलदल, क्यों मतलब केदारनाथ का मतलब ही, केदार का मतलब ही दलदल होता है, क्यों होता दलदल, वहां बर्फ पड़ती है, बर्फ पड़ने से क्या होता है वहां पर, एक समय के बाद जब सूर्य उत्तरायण होता है तो बर्फ पिघलती है, वहां पर गर्म हवा नहीं चलती है केदारनाथ में, वहां पर सूर्य उत्तरायण जब होगा, सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलने से क्या होगा, दलदल होगा वहां पर, और दलदल ही रहता है अधिकतर, वो तो मैंने कहा मानव सभ्यता जब कहीं पहुंचती है तो क्या कर देती है उसको, फिर क्या होता है वहां पर घास उगती है, क्या होता है, घास उगती है, उसी को कभी किसी जमाने में होते थे बुग्याल होते थे बड़े सुंदर, लेकिन लोगों ने क्या कर दिया, इतनी बड़ी संख्या में गए
ये जड़ी बूटियां ही विलुप्त हो गई। अगर आपको आप जड़ी बूटियां देखनी है, उस तरह के बुग्याल देखने हैं, तो अगर श्रद्धा हो तभी जाना, रुद्रनाथ जाना, वहां दिखेगा आपको। कभी किसी जमाने में जैसे केदारनाथ में दिखते थे, वैसा आप कहाँ दिखता है, रुद्रनाथ में। तुंगनाथ में भी नहीं दिखते अब उस तरह के बुग्याल, क्योंकि तो वहां भी लोगों ने क्या कर दिया। जाने के नियम होते हैं भाई हिमालय पे, और किसी भी जड़ी बूटी को छूने के भी, छूने से पहले सोच लेना कि हम किसको छूने जा रहे हैं। या तो वो एरोमेटिक प्लांट होगा तो विष होगा, पता चला आपने छू लिया, मुंह में रख लिया, तो समझ लो फिर तो है ना अंतिम यात्रा होगी वो। अगला फोन, क्या फोन? चिनूक के समान उत्तरी अल्प्स की घाटियां। अल्प्स कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। अल्प्स कहाँ है? और जगह भी हैं, बट ज्यादा पार्ट कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो उत्तरी अल्प्स की घाटियों में गर्म तथा अत्यधिक शुष्क पवन, जो किसी पर्वत श्रेणी के पार करके प्रति पवन ढालों पर नीचे की ओर उतरती है, फोन कहलाती है। इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। बर्फ पिघल जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है। इसके प्रभाव से अंगूर की फसलें शीघ्र पक जाती है। यूपीएससी ने पूछा है अंगूर की फसलों के लिए कौन सी हवा लाभदायक होती है, कौन? देखो भाई, अंगूर होता है सिट्रस फ्रूट्स। मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट जहाँ होगी, भूमध्य सागरीय जलवायु, वहाँ सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। उस तरफ अंगूर होता है। अंगूर होता है तो क्या, अंगूर तब तक नहीं पकेगा जब तक उस पर क्या गर्मी नहीं मिलेगी उसको। अब सूरज की गर्मी तो है नहीं इतनी वहाँ, तो ये गर्म हवा क्या करती है, उसको पकाने में सहायक होती है। क्या होती है? फिर वहाँ फेस्टिवल्स होते हैं, काला अंगूर, सफेद अंगूर, ग्रीन अंगूर। फिर क्या करते हैं उसको, फिर एक बड़ा सा, जैसे जितना बड़ा एक कमरा है इतना ही बड़ा टब होता है, फिर उसमें अंगूर रखते हैं, फिर उसमें डांस म्यूजिक चलता है, महिलाएं उसमें क्या करती हैं, नृत्य करती हैं पैरों से, इससे अंगूरों को कुचलती हैं पैरों से। और 3-4 घंटे बाद वो अंगूर क्या होते हैं, और एक तरफ से निकासी होती है, वो निकल रही होती है, फिर उस निकासी, उसको फर्मेंटेशन के बाद वही बनती है आपकी रेड वाइन। और एक बनती है क्या, अगर आप ग्रीन अंगूरों को दबाएंगे तो बनेगी क्या, सिंपल वाइन जो होती है, एक रेड वाइन होती है ना। लाल अंगूरों को दबाने से जो बनेगी रेड वाइन होगी, और जो ग्रीन अंगूरों को दबाने से होगी वो दूसरे प्रकार की वाइन होगी। वाइन समझते हो क्या होती वाइन? अरे वाइन होती क्या है भाई, अंगूर से बनती है। शुक्र है अंगूर की बेटी हुई बेटा ना हुआ, किसी शायर ने कहा। बेटा ज्यादा बिगड़ा हुआ होता है, बेटी हुई तो मतलब उसी ने क्या कर दिया, तो नशा ही तो है। तो बेटा होता तो शुक्र है कि अंगूर की बेटी हुई बेटा ना हुआ, बेटा होता तो पता नहीं तबाही मचा देता। प्रसन्न सब होते हैं सुन के। अंगूर की फसलें शीघ्र पक जाती हैं किसके कारण, फोन के कारण। ये क्वेश्चन बना हुआ। अगला सिरोको, अगला क्या है? सारा मरुस्थल से उत्तरी अफ्रीका, सिसिली तथा दक्षिणी इटली से गुजरने वाली अत्यधिक आर्द्र तथा काफी शुष्क और उष्ण दक्षिणी, शुष्क और उष्ण हवा है ये, दक्षिण या दक्षिण पूर्वी पवन, इसको क्या बोलते हैं, सिरोको कहा जाता है। क्या कहते हैं? अफ्रीका में इसके कई स्थानीय नाम हैं। सिरोको को ही इजिप्ट में खमसिन कहा जाता है। सिरोको का इजिप्ट में क्या नाम है, खमसिन है। सिरोको का लीबिया में क्या नाम है, गिबली है। सिरोको का ट्यूनिशिया में क्या नाम है, चिली है। इन नामों से पुकारते हैं। सिरोको हवा के साथ लाल रेत की मात्रा भी अधिक होती है। जब ये हवाएं भूमध्य सागर से होकर गुजरती हैं तो नमी धारण कर लेती हैं, और दक्षिणी इटली में काफी वर्षा प्रदान करती हैं। जब लाल रेत नीचे बैठने लगती है तो लगता है रक्त वृष्टि, ब्लड रेन हो रही है। ये यूपी और आईएएस दोनों जगह पूछा जा चुका है। क्या पूछा जा चुका है? सोचो ना, सारा डेजर्ट है, सारा डेजर्ट से भूमध्य सागर यानी इटली की तरफ चल, यूरोप की तरफ चल रही है हवाएं। किसकी तरफ? पहला देश क्या पड़ा, इटली, क्योंकि सबसे नीचे तक इटली है। इटली के नीचे भी सिसिली है, इटली का ही पार्ट है लिपारी आइलैंड, सिसिली। अब सिसिली में जब पहुंचती है तो अपने साथ सबसे बारीक कण, जो रेत के लाल रंग के कण है,
वो बारिश जब होती है तो लाल रंग की होती है। व्हाइट वॉश करोगे हर साल करना पड़ेगा, हर बार वो बर्बाद कर देगी आपके व्हाइट वॉश, ठीक है, पूरा गंदा हो जाता है। लेकिन ये भी फायदा होता है, क्या क्या फायदा होता है भाई, रेत अगर कहीं से कहीं, मतलब जब हवा का परिवहन होता है ना, तो कहीं ना जब कहीं जा रही है तो फर्टिलिटी या कुछ ना कुछ मिट्टी में चेंज करती है। ये भी बताया जाता है कि अगर हम सारा डेजर्ट को हरा कर दें तो अमेजन के जंगल भी खत्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अमेजन के जंगल भी खत्म हो सकते हैं अभी। चलो, इटली का नाम, इटली में इसका नाम क्या? सिरोको। इटली में क्या बोलते हैं भाई? ये हवाएं प्रायः हर मौसम में चलती हैं, परंतु बसंत काल में जब भूमध्य सागर पर चक्रवात अधिक सक्रिय होते हैं तो ये अत्यधिक व्यापक और व्यवस्थित हो जाती है। इन हवाओं का वनस्पति, कृषि और फलों के बाग पर विनाशकारी प्रभाव होता है। स्पेन, इटली आदि में इसके आगमन से अंगूर तथा जैतून की फसलों को अपार क्षति होती है। इसको हाईलाइट करना पड़ेगा आपको, अंगूर और जैतून। ऑलिव सुना है? ऑलिव ऑयल होता है ऑलिव का, ठीक है। जैतून की फसलों को अपार क्षति होती है क्योंकि इसके फूल झड़ जाते हैं। अरब के रेगिस्तान से चलने वाली गर्म शुष्क हवा को सिमूम कहते हैं। अरब के रेगिस्तान से चलने वाली गर्म शुष्क हवा को क्या कहा जाता है? सिमूम। सिमूम अत्यंत गर्म, शुष्क और तूफानी होती है तथा रेत की आंधियां लेकर आती है, जिससे दृश्यता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो अंगूर तथा जैतून की फसलों के लिए विनाशकारी होती है। आंसर सिरोको। आंसर क्यों होती है? फूल झड़ जाते हैं। क्यों होती है? अगला, हरमटन। डॉक्टर विंड बोलते हैं इसको। ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन रहा है। पश्चिमी अफ्रीका में और मुख्यतः सारा में गर्म, अति शुष्क और धूली में चलने वाली प्रचंड उत्तर पूर्वी पवनों को हरमटन कहा जाता है। डायरेक्शन याद रखना, उत्तर पूर्वी बोला मैंने। क्या बोला? उत्तर पूर्वी पवनों को हरमटन कहा जाता है। ये पवनें कभी इतनी गर्म और शुष्क होती हैं कि वृक्षों के तनों में दरार तक पैदा कर देती हैं। यही पवनें गिनी तट पर नम ऊष्मा से लोगों को आराम दिलाती, नमी खत्म हो जाती है वहां पर। है गर्म, जहां पर ह्यूमिडिटी होती है, अगर वहां पर लू चले, माना लू ही समझ लो, एक तरह की लू है, गर्म हवा है, तो ह्यूमिडिटी खत्म हो जाती है, तो वहां के लोग वैसे बीमार से महसूस करते हैं पूरे साल भर। लेकिन जब हरमटन चलती है तो थोड़ा सा तरावट सी महसूस करते हैं, तब घरों से बाहर निकलते हैं, काम धाम करते हैं अपना, है ना। यानी जैसे आप लोग कब रहते हैं सबसे स्वस्थ? कभी नहीं रहते, कि हमेशा ऐसे रहते हैं, है ना। जब तक किताबें हमारा पीछा नहीं छोड़ती तब तक हम ऐसे ही रहेंगे। कैसे? सुस्त, निराश, हताश, दुखी। नहीं, जब तक नौकरी नहीं लग जाती। नौकरी लगने के लिए भाई गुजरना पड़ता है इनसे। जैसे सबसे अच्छा महीना जो होता है सितंबर अक्टूबर का होता है, जब आप सबसे स्वस्थ रहते हैं, ठीक है। अक्टूबर खासकर, जब ना बहुत ज्यादा ठंड है, फिर धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी, फिर दिक्कत होती है। फिर क्या होता है, फिर मार्च भी बहुत अच्छा महीना है। फिर जैसे बसंत बोलते हैं, ऋतुओं का राजा क्या बसंत है तो बहुत अच्छा, लेकिन क्या होता है कि जो उस समय पॉलन ग्रेन्स जो होती हैं उससे एलर्जी होती है, सर दर्द होता है, कई तरह की प्रॉब्लम होती है। चलो जी, हिमालय में अगर कभी जाना हो तो सितंबर अक्टूबर में जाया करो। कहां तक पहुंचे हम? हरमटन। डॉक्टर विंड भी कहा जाता है भाई इसे। यही पवने गिनी तट पर नम ऊष्मा से लोगों को आराम देती है और स्वास्थ्यप्रद हो जाती है। कारण स्वरूप यह डॉक्टर विंड की संज्ञा दी जाती है। इस तरह की उष्ण एवं शुष्क हवा ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में भी चलती है। इन्हें ब्रिक फील्डर कहा जाता है। इसी तरह की हवाएं ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में भी चलती है, ब्रिक फील्डर कहा जाता है, जिसका तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। ऐसी गर्म तथा शुष्क प्रचंड हवाओं को संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्लैक रोलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक रोलर कहा जाता है। मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी में शामल तथा न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर कहा जाता है। न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर कहा जाता है।
वैसे तो काम आपका इतने से ही बन जाना है, लिस्ट याद कर लो। ये दिख रही लिस्ट, इसमें लेवेंटर, बाइस, पुर्गा, पेंटेरो, जूरन, पापागायो, है ना। अगर आप इस तरह से एक बार लिस्ट याद कर लेंगे, कहां पर चलती है, गर्म है, ठंडी है, इतने से काम चल जाता है। लेकिन यूपीएससी में नहीं चलता, यूपीएससी डीप क्वेश्चन पूछती है। अगली है मिस्ट्रल भाई, फ्रांस के मध्य मैसिफ, मैसिफ का पठार है, मैसिफ के ठंडे उच्च पठार से भूमध्य सागर की ओर तीव्र गति से चलने वाली ठंडी शुष्क उत्तर पश्चिमी अथवा उत्तरी हवाएं, जो मुख्यतः रोन डेल्टा, रोन नदी है दरअसल, रोन क्या है, रोन डेल्टा तथा लॉयंस की खाड़ी में चलती है, मिस्ट्रल कहलाती है। गल्फ ऑफ लायंस देखा होगा आपने, भूमध्य सागर में अगर आप जाओगे तो फ्रांस के साइड में देखना, नीचे नीचे की तरफ आपको कहीं पर गल्फ ऑफ लायंस मिलेगा आपको, है। ये ठंडी हवाएं मध्यवर्ती यूरोप में उपस्थित शीतकालीन प्रतिचक्रवात से भी पश्चिमी भूमध्य सागरीय बसीन पर उत्पन्न निम्न दाब क्षेत्र की ओर निचली रोन घाटी से होकर बहती है। इन हवाओं की औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, परंतु कभी कभी ये 130 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भी चलती हैं, जिस कारण वायुयान के चलने में अधिक कठिनाइयां हो जाती है। अगली है बोरा, मध्य यूरोप में उत्तर पूर्वी पर्वतों से उत्तरी एड्रियाटिक सी की ओर प्रचंड रूप से बहने वाली हवाएं अति शीतल शुष्क पवन को बोरा कहा जाता है। यह पवन मध्य यूरोप के उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर में विद्यमान निम्न दाब के क्षेत्र की ओर प्राय शीतकाल में चलती है। विली विली ऑस्ट्रेलिया, अगली कौन सी है, विली विली ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी तट के समीप उत्पन्न होने वाले उपोष्णकटिबंधीय तीव्र तूफानों को विली विली कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में कौन से तूफान चलते हैं, विली विली। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी गर्म हवा चलती है, ब्रिक फील्डर, गर्म हवा चलती है ब्रिक फील्डर। ऑस्ट्रेलिया के फील्डर वैसे भी अच्छे होते हैं क्रिकेट में, तो ब्रिक फील्डर कहां, ऑस्ट्रेलिया। विली विली तूफान कहां, तूफानों के प्रकार पढ़ने हैं आपने, सबसे खतरनाक होता है टॉर्नेडो, वो आपको वहां मिलेगा। कहां, मिसिसिपी नदी का जो डेल्टा है, टॉर्नेडो से हर साल वो बर्बाद करता है मिसिसिपी के डेल्टा को। और मिसिसिपी के डेल्टा में ही एक शहर है, ऑर्लियंस, न्यू ऑर्लियंस शहर। यूपीएससी ने पूछा कि कौन सा शहर है यूएसए का जो हर साल बर्बाद होता है, किससे, टॉर्नेडो से। आंसर, न्यू ऑर्लियंस शहर। मिसिसिपी नदी बर्ड फूड डेल्टा बनाती है, मिसिसिपी मिजोरी, जैसे हमारे यहाँ गंगा यमुना है ना, वैसे यूएसए की दो बड़ी जो खास नदियां हैं, मिसिसिपी मिजोरी, बाद में मिजोरी मिल जाती है मिसिसिपी में, नाम उसका मिसिसिपी हो जाता है। मिसिसिपी प्रांत भी है यूएसए में, मिसिसिपी नदी भी है, ठीक है। अब जब वो गिरती है तो बर्ड फुट डेल्टा बनाती है, वो जो बर्ड फुट वाला डेल्टा है उसके आसपास वाला क्षेत्र हर साल टॉर्नेडो से क्या होगा, तो वहां मकान बनाने से पहले अंडरग्राउंड बनाया जाता है। पहले ऊपर के जो मकान होते हैं बहुत मजबूत नहीं बनाते हैं, वो कितना भी बनाओ टूट रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे ही टॉर्नेडो आता है वैसे ही नीचे चले जाते हैं, होगा अंडरग्राउंड जो होता है उनका, फिर वो बर्बाद होता है, फिर कूड़ा कचरा दिखता है वहां, फिर अगले साल तक फिर दोबारा वहां बस्तियां बस जाती है। मनुष्य बड़ा जिद्दी है ना, क्या करें। चलो जी, लू, ग्रीष्म काल में उष्ण प्रदेशों में बहने वाली शुष्क हवा को लू कहते हैं। भारत में लू उन अति तप्त हवाओं को कहते हैं जिनका की तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड से 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इतना मरते भी हैं लू से, आपको नहीं पता होगा, ऋषिकेश में रहते हो आप नहीं जानते लू क्या चीज होती है, बट जब लू लगती है समझ लो काम तमाम। इस प्रकार की हवाएं उत्तरी भारत में मई के अंतिम सप्ताह में जून के अंतिम सप्ताह तक बहती है। और फिर तब बोला जाता है कि भाई प्याज की चटनी खाओ, जलजीरा पियो, पुदीना खाओ। हाँ जी, पुदीना खाओ, प्याज खाओ, ठीक है, उससे क्या होगा, लू असर नहीं करती है। और फिर उस जलजीरे की जगह ले ली कोल्ड ड्रिंक ने, फिर बस जलजीरे वाले, जलजीरा मतलब आपके ऐसा है ना, बाहर से आपको गर्मी क्यों बढ़ता आदमी, 49 डिग्री सेंटीग्रेड वाली हवा आपको हिट कर गई, अंदर का टेम्परेचर ठंडा हो गया अपेक्षाकृत, क्या हो गया, अब उस तासीर को ठंडा करना है तो खान पान से भी होता है। फिर प्याज एक ऐसी चीज होती है जो क्या करेगी, लू से बचाएगी आपको, पुदीना आपको लू से बचाएगा, जीरा वीरा आपको लू से बचाएगा। चलो, पोनंट, अगली कौन सी है, पोनंट, भूमध्य सागर क्षेत्रों में विशेषकर कोर्सिका तट पर, कोर्सिका पता है, तीन आइलैंड बताए थे मैंने, कोर्सिका, सार्डिनिया और बेलरिक आइलैंड बताए थे,
बेलेरेक किसका पार्ट है? स्पेन का पार्ट है। आइए इसका क्वेश्चन है, कोर्सिका किसका पार्ट है? चेक करो। और सार्डिनिया, कोर्सिका फ्रांस का होगा भाई, सार्डिनिया होगा इटली का। कोर्सिका फ्रांस का पार्ट है, सार्डिनिया किसका पार्ट है? दोनों के बीच में कौन सी स्टेट है? पॉलिटिकल में मत ढूंढो, फिजिकल में ढूंढो। स्टेट ऑफ बोनिफेसियो, स्टेट ऑफ बोनिफेसियो से भी क्वेश्चन बना हुआ कभी। ठीक है, तो कोर्सिका तट पर तथा भूमध्य सागर के फ्रांस में प्रवाहित होने वाली पश्चिमी पवन है जो सामान्यतः ठंडी होती है। पोनंट, पोनंट बोलते हैं उसको, अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो पोनंटी मत पढ़ लेना उसको, पोनंट बोलता बोला जाता है, ई साइलेंट होता है, जिसे मौसम शुष्क हो जाता है। अगली है जोंडा, अर्जेंटीना में गर्म शुष्क पवन जो पश्चिम में एंडीज पर्वतमाला से नीचे मैदानों की ओर चलती है, इसे शीत फॉन भी कहा जाता है। जैसी फॉन है वैसी ही कौन है? जोंडा है। अंतर इतना है कि फॉन कहां चल रही है? अल्प्स में, और ये कहां चल रही है? जोंडा, ये चल रही है एंडीज में। एंडीज रह गया साउथ अमेरिका में। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन? एंडीज, हाईएस्ट पीक अकंकागुआ। अगली पुर्गा, पुर्गा कहां चलती है? टुंड्रा प्रदेशों के अलास्का व साइबेरिया क्षेत्र में प्रचंड हिम झंझावत या बर्फीले तूफान। पुर्गा क्या है? हिम झंझावत, बर्फीले तूफान, जो प्रायः उत्तर पश्चिम दिशा से आते हैं, पुर्गा कहलाते हैं। आपका जो शिकागो है ना, शिकागो, उसको भी बोलते हैं हिम झंझावत वाला शहर। किस लेक के किनारे है शिकागो? विंडी सिटी कहा जाता है शिकागो को। देखो 10-11 सितंबर 1883 विश्व धर्म संसद, वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट, नरेंद्रनाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद गए वहां पर। किस लेक के किनारे है शिकागो? फाइव ग्रेट लेक्स में से देखिए कौन सी लेक है। मिशिगन के किनारे है। सब पढ़ा रखा है पहले, ये अलग बात है कि उसको याद नहीं रखते आप। ठीक है, विंडी सिटी बोलते हैं, हिम झंझावत वाला शहर बोलते हैं, धूम्र नगर भी बोलते हैं। आइए इसका क्वेश्चन है। अगला ब्लिजर्ड, अगला क्या है? ये बर्फ के कणों से युक्त ध्रुवीय हवाएं होती हैं। इनका प्रवाह क्षेत्र उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र है, साइबेरिया, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। ब्लिजर्ड हिम कणों से युक्त होने के कारण इनकी इनकी दृश्यता नष्ट हो जाती है। इनकी गति अत्यधिक तीव्र होती है, 80-96 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। इनके आगमन से तापमान अचानक हिमांक से नीचे गिर जाता है, सतह बर्फ से आच्छादित हो जाती है, शीत लहर चलने लगती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पश्चिम पूर्व धरातलीय अवरोध के अभाव में ये हवाएं समस्त मध्यवर्ती मैदानों को प्रभावित करती हुई दक्षिण प्रांतों तक पहुंच जाती है। यहाँ पर इनको नॉर्दर्न कहा जाता है। क्या 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 कहते हैं? नॉर्दर्न कहते हैं, साइबेरिया में इसको बुरान कहते हैं। साइबेरिया हो गया आपका रशिया वाला पार्ट जो है, और इधर साइबेरिया में बुरान कह रहे हैं, यूएसए के नीचे वाला जो मैदानी इलाका है उसको क्या बोल रहे हैं? नॉर्दर्न बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अगली है आंधी बगुला, डस्ट डेविल। आंधी उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानों में धूल और रेत भरी तेजी से उठती वायु की वायु के कॉलम को आंधी बगुला या डस्ट डेविल कहा जाता है। इसे भारत में बवंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? बवंडर कहते हैं, जो ग्रीष्म काल में अप्रैल से मध्य जून तक प्राय आते रहते हैं। इस तरह के बवंडर का निर्माण धरातलीय सतह से अत्यधिक गर्म होने तथा स्थानीय स्तर पर गर्म हवा के अचानक चक्राकार रूप में ऊपर उठने से होता है। कहीं पर ये जो ये होता ना आपका, क्या बोलते हैं इसको, डंपिंग जोन, कभी कभी वहां पर भी देखना बवंडर आता है, पूरे पॉलिथीन ऐसे घूमेंगे, पूरे क्या होंगे, जितना भी कूड़ा कबाड़ हो थोड़ी देर के लिए आता है, छोटा बवंडर है। बड़े बवंडर जो आते हैं वो ऐसी जगहों पर आएंगे जहां पर मैं बता रहा हूँ। छोटे मोटे बवंडर आपको अपने जीवन में देखे होंगे, देखे हैं, जब सब ऐसे घूमता जाए, प्लास्टिक की चेयर भी, क्या टेंट भी ऊपर। निचले वायुमंडल में चक्कर काटती वायु राशि के कारण ऊपर उठती हवाएं और अधिक तेज और प्रबल हो जाती हैं। चूंकि डस्ट डेविल कीपाकार होती है तो देखने में टॉर्नेडो जैसी लगती हैं। कैसी लगती हैं? टॉर्नेडो जैसी लगती हैं।
उसी का बड़ा रूप है फिर टॉर्नेडो। वैज्ञानिकों ने उसके अंदर कुछ चिप्स छोड़े, मतलब वो छोड़े चिप जो होती है वो छोड़ी, फिर पता चला कि भाई होता क्या है, कहां पर लो प्रेशर होता है, कहां पर हाई प्रेशर होता है, किस किस चीज को उड़ा सकती है वो। तो जब टॉर्नेडो आता है तो एक ही जगह होती है, बचने के लिए पुल के नीचे, उसमें भी बचोगे नहीं वैसे, पुल के नीचे, पुल के ऊपर से जाएगी ना तो नीचे उतना प्रभावित नहीं करेगी, वरना भैंस और ट्रक तक उड़ा देते हैं कई बार टॉर्नेडो। इवन अगर सागरों में चल रहे हैं टॉर्नेडो तो पूरा जल सोख लेते हैं, क्या करते हैं पूरा पानी सोखेंगे, पानी में जो जीव होंगे उनको भी ऊपर उठा देते हैं, तो क्या कहीं और जाके क्या मछली की बारिश सुनी है ना, मछली है मछली। हाँ जी क्या जी, ठीक है इसमें इतने बता रहा हूँ, उसके बाद जेट प्रवाह बताऊंगा मैं।